क्या हादसा हुआ आपके साथ और कौन सा इलाके में हुआ? सर ये हादसा मेरे घर के नीचे हुआ था। मैं अपने घर से दुकान पर जा रही थी कुछ सामान लेने के लिए। कुछ लड़के मेरे पड़ोस के आकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, मेरे साथ नंबर मांगने लगे। मेरे लड़के थे, तीन चार लड़के थे, उनका नाम रोहित, ऋषभ, पिंकी और शरद है। शरद ने मेरा नंबर मांगा, मेरे मना करने पर मुझसे मुहादियाई होने लगी। इसके पश्चात मैंने अपनी फैमिली को बुलवाया, मेरे फैमिली से मुहादियाई होने लगी। शरद ने मेरे भाई पर हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ने के बाद ऋषभ वहाँ पर रह गया, ऋषभ से झगड़ा वगड़ा होने लगा। तो शरद अपने घर से सलिए ले आया। सलिए लेने के बाद उन्होंने मेरे घर वालों को मारना पीटना शुरू कर दिया। आपके कितने परिवार को, कितने लोगों को मार मारे? चार लोगों को, मेरे फैमिली के चार मेंबर्स को गंभीर रूप से चोट आई है। कितनी चोटें आई हैं? मेरे जीजा हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर है, पट्टी बंदी है, और मेरे उनके सिर में भी पट्टी बंदी है। पाँच टाँके आई हुए हैं उनके सिर में, मेरे सिर में सात टाँके आई हुए हैं, मेरे भाई के सिर में 11 टाँके आई हुए हैं, दो चोटें हैं उसके, और मेरे पिताजी के उसमें 4 टाँके आए हुए हैं। उन्होंने सलिए से सबको इलाके का मामला है ये सर, प्रताप बिहार के जो काशीराम कौन सा थाना लगता है, विजयनगर थाना लगता है। जब ये घटना हुई थी तो मौके पर आप अकेले दुकान पर सामान लेने? जी सर, मैं अकेली थी। पिताजी को फोन करके आपने? नहीं, मैंने सर आवाज़ मारी ऊपर नीचे से। तो मेरे जो लड़के हैं आपके आस पड़ोस में? जी सर, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। उससे पहले कभी बदतमीजी की इन लोगों ने? नहीं सर, बहुत शांत था। हाँ सर, बहुत दिन से ये पीछे घूम रहे थे, मतलब मैं जब भी दुकान पर जाती थी। हाँ, मतलब पहले कभी बदतमीजी नहीं की? नहीं, मैं पीछे जब मैं दुकान पर जाती थी तो फोन अपने कान से लगा के तो बहुत बात करते हैं। मुकदमा हुआ अभी तक? जी सर, अभी एप्लीकेशन दे चुके हैं उसके खिलाफ। कोई कार्य? कितने लोगों को गिरफ्तार किया है अभी? दो लोगों को गिरफ्तार किया है, दो लोग बचे हुए हैं। अच्छा, टोटल चार लोगों ने? जी सर, उनके उन्होंने सरिये से मारपीट की है। जो घायल लोग हैं कहाँ पर भर्ती हैं? सर घायल लोग जो MMG में मेरे भाई का वो ट्रीटमेंट करवाया था, बाकी सबका वहाँ पे हुआ था, MMG में हुआ था, मेरे भाई का फ्लोर्स में हुआ है। अच्छा, वो भर्ती है वहाँ पे भी? जी। तबीयत कैसी उनकी अभी? उनकी तबीयत अभी ठीक है, डॉक्टर ने अभी वो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का कुछ कहना नहीं है। पुलिस कह रही है ठीक है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों के खिलाफ अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। बोल रहे हैं अगर यहाँ, उसके भाई ने वार्निंग दी थी, अगर यहाँ से नहीं छूटा ये तो हम तो कोर्ट से जमानत करके छुड़वा लेंगे। कल रात्रि में थाना विजयनगर के वृंदावन इंटरनेट सोसाइटी में एक मारपीट की घटना प्रकाश में आई थी, जिसके अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और जो दो नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए।